हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं जो कि सिविल एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। आज इसका ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि हम सेकेंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 4 स्टडी करेंगे। अब तक हम इस चैप्टर के पिछले 3 पार्ट में स्टार्टिंग के 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने स्ट्रेस पढ़ा था, देन आफ्टर हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ा था, फिर स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। अब तक हम ये 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 3 पार्ट्स में। आज के इस पार्ट में हम इलोंगेशन से आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो आपके अगेन पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पर्पस से, बिकॉज यहाँ से आगे जितना भी पार्ट है पूरा फॉर्मूले बेस्ड एंड उन फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बेस्ड आधारित है। इसीलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्लास को पढ़ना है, एंड जो भी आपको डाउट्स होंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 8वें टॉपिक से, जिसका नाम है इलोंगेशन, ठीक है। बाकी ये रिमेनिंग टॉपिक है, इस पार्ट में कोशिश करेंगे हम सभी टॉपिक्स को स्टडी कर लेंगे, एंड नेक्स्ट पार्ट से आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी हेडिंग लिख लीजिए, टॉपिक नंबर 8 इलोंगेशन, हटा दें इसको, जो नए बच्चे हों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा, क्लास आपकी इस समय लगभग 1 वीक के बाद हो रही है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी हमारे साथ, इसलिए क्लास रेगुलर नहीं हो पाई थी। बट अब क्या होगा, जो आपके लेक्चर 1-1 घंटे के मिलते थे ना, लेक्चर को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, जिससे कि क्लास आपकी रेगुलर बनी रहे और आपको डिस्टर्ब ना हो किसी तरह का। होता क्या है, हम बड़े लेक्चर के चक्कर में एक लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, फिर एक बीच में एक दिन का गैप हो जाता है, उससे कंटिन्यूटी आपकी बन नहीं पाती है और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए लेक्चर में थोड़े से छोटे प्रोवाइड करूंगा, भले ही 1 घंटे का ना हो, 40 मिनट का लेक्चर रहे, लेकिन अब आपको रेगुलर मिलेगा पर डे 1 लेक्चर, ठीक है। थोड़े से छोटे लेक्चर करेंगे, बिकॉज मैथ की क्लास भी है, तो इसीलिए अब छोटे लेक्चर हो जाएंगे। जैसे 1 घंटे का पहले था, तो अब मैं आपको 40 मिनट तक का लेक्चर दूंगा, जितना कवर होगा 40 मिनट में हम कवर करेंगे, देन आफ्टर अगले दिन पढ़ा करेंगे, जिससे कि रेगुलरिटी बनी रहेगी, ठीक है। और रेगुलर पढ़ेंगे हम डेली, तो लगभग एक महीने में या 40 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बच्चों के बीच में भी कमेंट्स आना शुरू हुए थे जब क्लास नहीं हो पा रही थी, तो बहुत बच्चे कॉल भी कर रहे थे कि सर पेड कोर्स ही करा दीजिए, लेकिन कराइए जरूर। तो मैं उन सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं कि कोर्स आपका पेड बिल्कुल नहीं होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, ठीक है। पहली बार हम यूट्यूब पर आपके लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री है। और जो भी पेड कोर्स करा रहे हैं अदर टीचर्स, उनमें और इसमें आप कंपैरिजन करके देखना, कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको। सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप पेड और फ्री को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स भी आपको कराऊंगा, आई प्रोमिस कंप्लीट कोर्स हो जाएगा आपका जरूर, ठीक है। रेगुलरिटी बनी रहेगी, अब तक आपने इतना वेट किया उसके लिए थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, एंड अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आप पेड को और फ्री को लेकर परेशान ना हो, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा और यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है। इसको कोई एप्लीकेशन पर या कहीं और नहीं कराएंगे, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, सभी बच्चे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग 8वां टॉपिक लिख लीजिए, जो है हेडिंग है आपकी इलोंगेशन, टॉपिक नंबर 8, ओवरफ्लो कर गया। टॉपिक नंबर 8 है इलोंगेशन, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में इसका नाम चेंज हो सकता है टॉपिक का, आपकी बुक में इसका नाम होगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड होगा, यूनिफॉर्म या प्रिज्मेटिक, यूनिफॉर्म रॉड यानी एक समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन। हिंदी में आप क्या लिख लेंगे, एक समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन। मैं हिंदी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, आप लिख लीजिएगा हिंदी, बोल दे रहा हूँ मैं क्या होगा। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है ऐसी रॉड जिसका क्रॉस सेक्शन पूरी लंबाई में एक समान हो, ठीक है। तो एक समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन, या फिर हम इसको इलोंगेशन भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर हम सिंबल की बात करें, डेल्टा एल इसका सिंबल होगा, समझ जाएंगे सभी दोस्त। तो चलिए स्टडी करते हैं इसके, अब ध्यान से समझेंगे ना, पूरे ध्यान से समझना, आपको बहुत आराम से इजीली आप सभी को समझ आ जाएगा। पहले तो आप यूनिफॉर्म रॉड समझ लें किसे कहते हैं, दूसरा नाम इसका प्रिज्मेटिक बार भी होता है, दूसरा नाम क्या होता है, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक बार। हिंदी में दोस्त हम एक समान काट की छड़ कहते हैं,
एक समान काट की छड़, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार, अब होती क्या है प्रिज्मेटिक बार, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इधर देखना है। जैसे ये कोई छड़ है आपकी, आप ऐसे बना सकते हैं, इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते थे जैसे आपको पहले बनवाया गया है, कोई बात नहीं। ये छड़ है, सपोज इसकी लेंथ स्टार्टिंग में कितनी है यहाँ पर, ये एल है, एल लेंथ है, और इसका जो डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक वो मान लिया डाया व्यास इसका डी है। आपने इस पर कोई एक फोर्स लगाया एफ फोर्स, एफ फोर्स लगाने से इसकी लंबाई में कुछ चेंजिंग होगी, हमने फोर्स नीचे की ओर लगाया तो लेंथ बढ़ेगी, ध्यान से समझते रहिएगा, लेंथ बढ़ गई। मान लिया ये जो लेंथ बढ़ी है यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। हमें निकालना क्या है, इसकी लेंथ में ये जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा एल, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर ना, इलोंगेशन कहते हैं इसको, या फिर हम चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड कह देंगे। चेंज इन लेंथ मतलब इस लेंथ में कितना चेंज हुआ है फोर्स लगाने के बाद, इसे हम सबको कैलकुलेट करना है। अब आपको ध्यान से सामने देखना है, हमने पढ़ा है हुक्स लॉ, तो हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू, हम लिखेंगे दोस्त यहाँ पर क्या, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हिंदी में आप कह दीजिएगा हुक के नियम के अनुसार, लिख लेंगे ना, हुक के नियम के अनुसार। हुक ने क्या बताया था, हुक ने बताया था जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस यानी प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेन मतलब जानते हैं दोस्त, स्ट्रेन मतलब विकृति के, विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हुक ने बताई थी। सिंबल की बात करें, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको स्मॉल ई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहाँ जब आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई आता है इनटू में स्मॉल ई, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। अब चूंकि हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, एंड स्मॉल ई स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हम पिछले लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इन वैल्यूज को सिग्मा और ई की जगह पर रख दीजिए, सिग्मा की जगह पर हमने एफ अपॉन ए लिख दिया एंड कैपिटल ई, इसकी जगह पर डेल्टा एल अपॉन एल लिख दिया, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त लोग, ठीक है। अब आप एल को और ई को ले जाओ इस साइड, जिससे हमें डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाए, सभी को समझ आ रहा है। आप इस ई और एल को इधर ले जाएंगे तो एल नीचे है ये ऊपर जाएगा, ई ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो एफ और इधर एल पहुंच गया तो एफ एल हो गया, क्या हो गया, एफ इंटू एल हो गया, नीचे क्या आ गया, ये ए था और इंटू में नीचे आ गया ई, समझ पा रहे हैं, बराबर डेल्टा एल, ये बताओ इतना सभी को समझ आ रहा है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया जो डेल्टा एल का फॉर्मूला है दोस्त, वो क्या आ गया, एफ एल अपॉन ए ई, एफ एल अपॉन ए ई, सभी को क्लियर हुआ, ये यहाँ पर हमारा इलोंगेशन का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम सबको ये फॉर्मूला याद कर लेना, जिसमें कि हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएं, सभी को क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एफ क्या है, जो आपने फोर्स लगा रखा है ये एफ है, एल क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है, ए क्या है, इसका एरिया है। अच्छा मैं ए की वैल्यू और आपको और बता दूं, ए का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी आपको एरिया ना दे रखा हो तो ये बार होती है प्रिज्मेटिक बार, और प्रिज्मेटिक बार दोस्त ऐसी बार होती है, ये जो बार है ना, हम इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर, जैसे सिलेंड्रिकल होती है ना, उस तरह की बार होती है। हम इसका बीच वाला सेक्शन या डायग्राम में दिखा देते हैं, तो ये जो होता है इसका ये व्यास होता है, चौड़ाई ना होकर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है दोस्त, ये डाया होता है, डी डाया। आपने पढ़ा है सर्किल है इसका बेस, और सर्किल का एरिया क्या होता है, आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से जानते होंगे, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, आर फॉर रेडियस, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इस आर की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं व्यास का आधा होता है रेडियस, यानी डाया का आधा, मैं इसको डी बाई टू कर सकता हूं, कर सकता हूं या नहीं, कर सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि रेडियस जो होती है यहां तक रेडियस है, तो ये डाया का आधा होता है, सपोज इतना रेडियस है तो हमने डी बाई टू कर दिया। अब आप इसको खोलेंगे तो ये पाई है, डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और दो का स्क्वायर चार आएगा, क्या आएगा दोस्त, चार आएगा, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर हो गया। ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ये भी आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आप सब लोग याद कर लीजिएगा, एरिया का फॉर्मूला किसी भी प्रिज्मेटिक बार के लिए क्या होगा। तो कुल मिला के क्या है, इस टॉपिक में आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले रट लेने हैं, रटने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे, जब भी भूल जाएं आप इसको याद रखिएगा, हुक्स ने क्या बताया था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, सिग्मा की वैल्यू एफ अपॉन ए रख दी इसकी जगह, स्मॉल ई की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल रख दिया आपने, ठीक है। आप एल को इधर ले गए, ई को इधर ले गए, तो एल ऊपर चला गया, ई नीचे, एफ एल अपॉन ए ई हो गया डेल्टा एल की वैल्यू, तो फॉर्मूला आ गया एफ एल अपॉन ए ई, डेल्टा एल का फॉर्मूला।
क्लियर ना। एफ आपको समझ आ गया फोर्स था, एल आपको समझ आ गया लेंथ थी, ए आपको समझ आ गया एरिया था इसका, एंड ई क्या होता है प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग प्रत्यास्थता मापांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई होता है। ये बताओ सभी को समझ आ रहा है दोस्त? इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। क्या एई का नाम सभी ने सुना है? आप डिप्लोमा करके जेई बनेंगे, जेई के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप क्या बनेंगे? एई बनेंगे। एई बनेंगे तो आपको एई बनने का फल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फल प्राप्त होगा। क्या लिखा है? फल, एफ एल मतलब फल। एई अगर आप बन गए तो आपको फल प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं? तो फल एक साथ लिख दीजिएगा, एई एक साथ लिख दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा इजीली। फल मतलब एफ एल, एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है, ठीक है। वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए लॉन्ग टर्म। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब होते हैं आपके, कभी उनमें कन्फ्यूजन रहता है। कभी कभी यहाँ एफ एल की जगह ई एल लिख देता है, यहाँ एफ ए लिख देता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए फल एक साथ आएगा एफ एल, ए ई एक साथ आएगा ए ई। तो याद हो गया सभी को? डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए ई, क्लियर हुआ? एरिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, जहाँ जैसे बोल लो आप। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ तक अगर आपको सभी को क्लियर हो गया हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। मैंने पहले ही बोला आपको न्यूमेरिकल में बाद में कराऊंगा, पहले सभी टॉपिक एक बार समझा दूं। जितने भी फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं ना, जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल वाला टॉपिक मतलब न्यूमेरिकल वाला लेक्चर स्टार्ट करूंगा, उससे पहले सभी फॉर्मूलों को एक सिंगल पेज पर समराइज करके लिखवा दूंगा कि इस चैप्टर में आपने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, ताकि एक ही जगह आपको सारे फॉर्मूले भी मिल जाएंगे एंड आपका रिवीजन भी हो जाएगा फॉर्मूले का, और आपको क्वेश्चन करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए मैं अगले टॉपिक की ओर मूव करता हूँ और इसको रफ कर दें, रफ कर दें इसको। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग या तो आप लिख देंगे क्या, या तो आप ये प्रिज्मेटिक बार समझ आ गई थी ना, पूरी लंबाई में सेम क्रॉस सेक्शन था। अब या तो लिखा है आपका हेडिंग चेंज इन लेंथ, नवा टॉपिक है बेटा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, फिर कोमा लगा लिख देना बार ऑफ, बार ऑफ बैरिंग सेक्शन, बैरिंग, ये बैरिंग लिखा है एनजी लगा दीजिएगा, बैरिंग हो जाएगा ये। बैरिंग मतलब बदलने वाला होता है, ये वेरी वो नहीं है, वी ई नहीं है, वी ए आर वाई, बैरिंग सेक्शन, ठीक है। या दूसरा नाम मैंने क्या बताया था इसका, इलोंगेशन इन कंपोजिट बार, इलोंगेशन, इलोंगेशन इन कंपोजिट बार्स, ठीक है। दो नाम है इसके, एक नाम ये है, दूसरा नाम ये है। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, बैरिंग सेक्शन की हिंदी होती है दोस्तों विभिन्न काट वाली छड़, विभिन्न, विभिन्न काट वाली छड़ की लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन, या दूसरा नाम बोल सकते हैं आप इलोंगेशन इन कंपोजिट बार मतलब संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त काट, संयुक्त काटों की लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। हेडिंग सभी को समझ आ रही है? मतलब अभी आपने क्या देखा था, एक सिंगल काट देखी थी, एक सिंगल बार देखी थी, अब आपका आएगा वेयरिंग सेक्शन। वेयरिंग सेक्शन कैसा देखिए ध्यान से, एक सेक्शन आपको ये दे दिया गया कोई, दूसरा सेक्शन आपको ये दे दिया गया कोई, तीसरा सेक्शन आपको ये दे दिया गया कोई, चौथा सेक्शन एक और ले सकते हैं आप, चौथा सेक्शन आपने ये ले लिया कोई, इस तरह से, ठीक है। मतलब अलग अलग काट के सेक्शंस मिलेंगे आपको, यहाँ पर कितने, चार सेक्शन है, समझ पा रहे हैं? इस सेक्शन का डायमीटर कुछ और है, समझते रहिएगा। इस सेक्शन का डायमीटर आपने देखा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपने मान लिया सपोज पहली सेक्शन है डी1 है, इसका, इसका डाया कुछ अलग है, तो इसका डायमीटर मान लिया ब्यास है बेटा, ये डाया मतलब डी2 है, इसका डाया डी2, ब्यास समझ आ रहा है ना क्यों है, क्योंकि ये बार यहाँ पर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। इसका मान लिया कितना डाया है, इसका मान लिया डी3 डाया है, और इसका डाया, इसका डाया सबसे ज़्यादा है डी4 मान लिया, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है इनका क्रॉस सेक्शन, ठीक है, डी4 है।
यानी कैसी है, वेरिंग सेक्शंस है, वेरिंग मतलब बदलता हुआ, विभिन्न काट, विभिन्न मतलब अलग अलग काट वाली क्षण होंगी यहाँ पर, इसका D1, इसका D2, इसका D3, इसका D4, समझ पा रहे हैं। तो इन सबके व्यास हो गए, इसके अलावा और क्या होगा, इसकी लेंथ होगी पहले वाले की L1, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L1, दूसरे वाले की लेंथ यहाँ से यहाँ तक L2, तीसरे की लेंथ ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है दोस्त, L3, चौथे की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये L4। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, या तो यहाँ पर व्यास देगा आपको या फिर एरिया देगा, ठीक है। एंड इसके क्रॉस इस पे क्या लगा रखा होगा, इस पे लगा रखा होगा दोस्त, इन्होंने फोर्स लगा रखा होगा, ठीक है। ये इसका मैंने क्या दिखा रखा है, अक्ष दिखा रखी है, और इस पे एक्सियल फोर्स एफ लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स एफ, इधर भी दोनों तरफ, समझ पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने से पहले एक नोट पॉइंट लिख रहा हूँ, जो आपको बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते टाइम, ठीक है। एक नोट पॉइंट आप सभी के लिए याद रखना है, जो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, साफ साफ राइटिंग में, जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतना पढ़ने में मज़ा आएगा बाद में, ठीक है। चलिए मैं नोट पॉइंट क्या लिखने वाला हूँ दोस्त, यहाँ नोट पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा क्या, ये अलग अलग सेक्शन की चार काट दे रखी है, आपसे कहेगा बताओ इसमें टोटल इलोंगेशन कितना होगा, इसकी लंबाई में टोटल लेंथ में चेंज कितना होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं एक यहाँ नोट पॉइंट जो लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है, यदि कोई वेरिंग सेक्शन, यदि कोई वेरिंग सेक्शन एक ही पदार्थ यानी इसको कहते हैं बेटा सेम मटेरियल का बना हो, क्या लिखा, यदि कोई वेरिंग सेक्शन मतलब दोस्त होता है विभिन्न काट वाली छड़, है ना, वेरिंग सेक्शन एक ही पदार्थ यानी सेम मटेरियल का बना हो, तो उसके लिए कैपिटल ई, जिसका नाम क्या होता है, यंग प्रत्यस्थमापांक, उसके लिए कैपिटल ई की वैल्यू सेम होती है, कैसी होती है बेटा, समान होती है। मैंने मिक्स लिख दिया है, इसको सभी बच्चे लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। मतलब अगर आपसे कह दे कि कोई भी वेरिंग सेक्शन स्टील का बना हुआ है तो उसकी लंबाई में चेंज बताओ, तो ये भी स्टील का, अगर ये सभी स्टील के बने हैं तो सभी के लिए ई की वैल्यू सेम रहेगी, अगर सभी लकड़ी के बने तो सभी के लिए वैल्यू सेम रहेगी, और अगर कह दे ये अलग अलग मटेरियल के बने हैं, मतलब ये मान लिया सपोज ये एल्यूमिनियम का बना है, ये मान लिया आपका स्टील का बना है, ये कॉपर का बना है, ये जिंक का बना है, इस तरह से अगर आपसे कह दे, इन सब के लिए E की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में याद रखना है। सभी को समझ आ रहा है दोस्त, सभी को यहाँ तक क्लियर है ना, जो बातें आपको बताई जा रही हैं। चलिए आगे देखेंगे। चलिए मैंने मान लिया सपोज क्या कि ये सभी अलग अलग पदार्थ के बने हुए सेक्शन है, तो अलग अलग मटेरियल के, तो इसमें E की वैल्यू E1 हो जाएगी, इसमें E की वैल्यू E2, यहाँ पर E की वैल्यू E3, और यहाँ मान लिया E की वैल्यू क्या है, E4 है ना। अभी के लिए मैंने मान रखा है अलग अलग पदार्थ के बने हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हैं, अगर ये सेम मटेरियल के होते तो हम बोल देते क्या कि इन सब के लिए E की वैल्यू सेम होगी। ये नोट पॉइंट आपको याद करना है, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं चलिए इलोंगेशन के बारे में, ठीक है। अब जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में इलोंगेशन कितना होगा, आप लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में, इलोंगेशन इन सेक्शन फर्स्ट, पहले सेक्शन में, हिंदी में लिख देना, पहली काट में लंबाई में परिवर्तन, या पहली काट की लंबाई में परिवर्तन, जिसको हम कह देंगे डेल्टा एल। अब ये पहली सेक्शन है दोस्त, पहला तो डेल्टा एल वन कह दीजिएगा, फॉर्मूला एफ डेल्टा एल का फल अपॉन ए ई बताया था ना, एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है। अब एफ फोर्स यहाँ लग रहा, पूरी अक्ष पे सेम फोर्स है एफ, तो सभी जगह फोर्स की वैल्यू तो सेम है, तो फोर्स तो एफ रखेंगे। लंबाई कितनी है पहले सेक्शन में, L1, पहले सेक्शन का एरिया व्यास D1 है, तो एरिया A1 आएगा, E1, समझ पा रहे हैं, FL अपॉन A1 E1, ये आ गया। इसी तरह आप दूसरा लिख सकते हैं, इलोंगेशन इन सेक्शन टू, दूसरे सेक्शन के लिए डेल्टा L2 क्या हो जाएगा दोस्त, एफ
एल टू अपॉन ए टू ई टू, समझ पा रहे हैं सभी को? समझ आ रहा है? ये दूसरे सेक्शन में हो गया, मैं इस नोट पॉइंट को प्लेस करके मिटाने जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है? हटा दें इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अब मैं लिख रहा हूँ, दो सेक्शन का हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा आगे। अब मैंने मान लिया आगे क्या, तीसरे सेक्शन के लिए, किसके तीसरे सेक्शन के लिए, पूरा लिखिएगा आप, इलोंगेशन इन सेक्शन थ्री, यानी तीसरे सेक्शन की लंबाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल थ्री बराबर एफ एल थ्री अपॉन ए थ्री ई थ्री, ठीक है? इसी तरह लिख देंगे क्या चौथा सेक्शन, यानी कि इलोंगेशन इन सेक्शन फोर, चौथे वाले सेक्शन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एल फोर बराबर क्या हो जाएगा, एफ एल फोर अपॉन ए फोर ई फोर। ये तो अलग अलग हो गया सभी में, ठीक है? हमने सभी में अलग अलग निकाल लिया, अगर आपसे अलग अलग इसकी वैल्यू पूछी जाए तो, ठीक। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना टोटल इलोंगेशन, हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन, ठीक है? तो इस केस में आपका डेल्टा एल क्या हो जाएगा, चारों को ऐड कर दीजिए, कुछ लंबाई में पहले वाले में चेंज हुआ डेल्टा एल वन, प्लस कुछ दूसरे में चेंज हुआ डेल्टा एल टू, प्लस कुछ तीसरे में डेल्टा एल थ्री, कुछ हुआ चेंज चौथे में, तो सबको जोड़ देंगे, समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किसका, डेल्टा एल का, समझ पा रहे हैं? मैं ऊपर जो लाइन लिखी दिख रही है आपको, इसको मिटा रहा हूँ सिर्फ, और यहाँ पर बड़ा सा फॉर्मूला एक लिख देता हूँ आपके सामने, जिससे कि आप सभी को ईजिली याद हो जाए, ठीक है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, देखिएगा, डेल्टा एल बराबर पहला क्या था, एल वन की वैल्यू एफ एल वन अपॉन ए वन ई वन, प्लस दूसरा एफ एल टू अपॉन ए टू ई टू, प्लस तीसरा एफ एल थ्री अपॉन ए थ्री ई थ्री, प्लस चौथा एफ एल फोर अपॉन ए फोर ई फोर। बस सबको जोड़ना था, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? ये फॉर्मूला हो गया आपका इसका, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? ये फॉर्मूला हो गया किसका, टोटल इलोंगेशन किसी भी वेयरिंग सेक्शन में कितना होगा, इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा सभी को। एक और काम कर सकते हैं, सब में F कॉमन है तो आप F को कॉमन ले सकते हैं बाहर, और अगर नीचे E सब के लिए सेम होता तो E को भी कॉमन ले लेते, तो आप F अपॉन E आ जाता। कब? जब ये सभी एक ही पदार्थ के बने होते तो आपके E की वैल्यू भी सब जगह सेम हो जाती, तो आप F और E को बाहर ले लेते तो आपका क्या बन जाता फॉर्मूला, F अपॉन E बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3 प्लस L4 अपॉन A4 एंड कैरी ऑन, यानी आगे तक कंटिन्यू रखते हैं आप। सभी को समझ आ रहा है? बिल्कुल सिंपल, सभी सेक्शन का जो निकल के आएगा उसको यहाँ जोड़ दीजिए, तो आपको अलग अलग निकाल के तो चेक करना नहीं है, अलग अलग तब निकाल के चेक करना है जब आपसे कहेगा बताओ किस में मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ, किस में मिनिमम इलोंगेशन हुआ, तब आपको सबका अलग अलग निकालना है। लेकिन अगर आपसे कहे संयुक्त काट की लंबाई में परिवर्तन कितना है, तो टोटल डेल्टा एल डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर सभी की वैल्यू रखेंगे, एल वन की वैल्यू, ई वन की वैल्यू और ए वन की वैल्यू, एल टू, ए टू, ई टू, सबको यहाँ पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी को समझ आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें और बता रहा हूँ इसी टॉपिक के बारे में। हटा दें दोस्त, अब देखिए आगे, देखिए और क्या क्या आपको यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है? मेन फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा और आगे समझ लेंगे इसको। अब इसी में, इसी क्वेश्चन में आपसे कहता इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ कितना होगा, क्या पूछता, मैक्सिमम स्ट्रेस यानी अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम प्रतिबल कितना होगा एंड मिनिमम स्ट्रेस कितना होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस यानी सिग्मा मैक्स आपसे पूछा गया है, तो सिग्मा मैक्स क्या होता दोस्त, यहाँ पर आप खुद बता सकते हैं, आपने पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो कांस्टेंट है, सेम है सभी सेक्शन के लिए। अब सिग्मा मैक्स किसके लिए आएगा, जिसका एरिया कम होगा, नीचे वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू जिसकी मिनिमम होगी उसका सिग्मा सबसे ज़्यादा होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? अब यहीं से अगर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सिग्मा मैक्स की जो वैल्यू आएगी, ऊपर तो बेटा एफ रहेगा, नीचे मिनिमम एरिया किसका है, सबसे कम एरिया ए थ्री वाले का है, इसका ई थ्री वाले का ना,
ये तीसरे सेक्शन का ही सबसे कम व्यास है, तो इसी का एरिया कम होगा, तो यहाँ पर आप ए थ्री से डिवाइड करते और डायरेक्ट आप क्या कह देते, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू आपको मिल जाती। फिर आपको चारों को अलग अलग कैलकुलेट करके देखने की आवश्यकता नहीं है, जिसका आपको डाया कम दिखाई दे, जिसका एरिया कम हो, उसको पुट करना है यहाँ पर और सीधे बोल देना ये आ गया सिग्मा मैक्स। अब इसी में अगर आपसे कह देता क्या मिनिमम स्ट्रेस कितना होगा, क्या पूछता मिनिमम स्ट्रेस कितना होगा, यानी लिखते रहिएगा दोस्त साथ साथ, ठीक है, न्यूनतम प्रतिबल कितना होगा, तो आप क्या करते फिर आप सिग्मा मिनिमम निकालते और क्या हो जाता है एफ अपॉन, इस बार एरिया आपका मैक्सिमम लेना पड़ता क्योंकि नीचे वाली वैल्यू अधिक होगी तभी तो ओवरऑल वैल्यू कम मिलेगी आपको, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है, इसकी हेल्प से आप इजीली क्या बता देंगे, अब आप बता सकते हैं कि जो सिग्मा मिनिमम आएगा वो एफ अपॉन एरिया मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसका, इस डी फोर वाले का सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर ए फोर आ जाता तो आपको यहाँ से मिनिमम स्ट्रेस भी मिल जाता। समझ आया सभी दोस्तों को, क्लियर हुआ ना? हाँ, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब इसी के साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकता था, हटा दें इसे, हाँ, अब आपसे ये भी पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था आपसे, पूछ सकता था दोस्त कि आप क्या बताइए मैक्सिमम स्ट्रेन बताइए, स्ट्रेन मतलब विकृति, मैक्सिमम विकृति यानी अधिकतम विकृति कितनी होगी, या आपसे कह देता मिनिमम स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन, ठीक है, यानी न्यूनतम विकृति कितनी होगी, विकृति, तो यहाँ क्या करते हैं आप विकृति को ई से डिनोट करते हैं, ई से विकृति को आप ई से डिनोट करते हैं, ई मैक्सिमम, मैक्सिमम आपने ई का फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा एल अपॉन एल होता है, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला सिग्मा बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, इसको इधर ले आओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बट्टे ई। समझ पा रहे हैं, समझ आ रहा है सभी दोस्तों को? अब यहाँ क्या करेंगे आप सिग्मा अपॉन ई अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो आपको ऐसा तब पूछेगा जब सभी पदार्थों में प्रत्यास्थ मापांक सेम होगा, यानी ई तो सभी जगह कांस्टेंट दे रखा होगा, अगर इस तरह का पूछेगा क्वेश्चन तो बता रहे हैं आपको, फिर उस केस में ई सबका सेम दिया होगा, अगर डिफरेंट भी दे रखा है तब तो आपको चारों ही निकालने पड़ेंगे तब बता पाएंगे कौन सा मैक्सिमम आ रहा है कौन सा मिनिमम। इसके अलावा अगर ई सबका सेम होगा तो आपको क्या करना होगा, ई मैक्स निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी ये मैक्सिमम आएगा, तो आपको सिग्मा मैक्स लेना होगा, यहाँ क्या लेना होगा दोस्त सिग्मा मैक्स, ठीक है, सिग्मा मैक्स अपॉन ई कर दीजिएगा आपको इजीली मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू। समझ पा रहे हैं, मिनिमम पूछता आपसे ई मिनिमम, तो क्या करते हैं फिर सिग्मा की वैल्यू मिनिमम लेते हैं अपॉन में ई से डिवाइड कर देते तो आपको मिल जाते हैं यहाँ से ई मिनिमम। ये सभी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता किसी भी तरह से तो आप इजीली निकाल सकते थे। समझ आ रहा है, इसके अलावा एक तरीका आपके पास ये भी था, ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल करते आप, फिर आपको यहाँ पर देखना क्या होता मैक्सिमम के केस में डेल्टा एल की वैल्यू तो मैक्सिमम रखते और लंबाई मिनिमम वाली लेते, यानी आप चारों का अलग अलग निकाल के देखते तब आपको मिलता ई कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है तब आपको मिलता इससे, अदरवाइज आप सिग्मा से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम सिग्मा को ई से डिवाइड कर दो ई मैक्स मिल जाएगा, मिनिमम सिग्मा को ई से डिवाइड कर दो ई मिनिमम मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना, बाकी मेन फॉर्मूला इस टॉपिक के लिए ये आपको याद करना है सभी दोस्तों को, क्लियर हुआ दोस्त? इसको रफ कर दें, ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं आगे की ओर, हटा दें इसे, चलिए और तो कुछ नहीं बचा है इसमें, देख लें एक बार, और कुछ नहीं है बस यही है, बस इतना और कर रखा है ना, ई को भी कांस्टेंट ले रखा, मतलब सभी सेम मटेरियल के होंगे तो सभी के अगर ई की वैल्यू सेम होगी तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ, यदि क्या हो, यदि ई की वैल्यू सेम हो, यानी ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ये सभी सेम है, ये सभी सेम होने का मतलब ई के बराबर है सब के सब, तो इस केस में डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आ जाता, डेल्टा एल बराबर ऊपर जो एफ है वो कॉमन लेते आप अपॉन में, नीचे सभी जगह ई हो जाता है, ई को कॉमन ले लेते, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है आपके लिए, एल वन अपॉन ए वन प्लस एल टू अपॉन ए टू प्लस एल थ्री अपॉन ए थ्री प्लस एल फोर एल फोर अपॉन ए फोर, इस तरह से फॉर्मूला बन जाता, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते, ठीक है, बाकी आपको रटना कुछ नहीं है, सिंपल वही चीज़ है, चारों का फॉर्मूला लिखिएगा अलग अलग जोड़ करके, फिर जो कॉमन हो उसको बाहर ले लीजिएगा, आपको फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा ना, इसका इलोंगेशन प्लस इसका इलोंगेशन प्लस इसका इलोंगेशन प्लस इसका इलोंगेशन, सभी इलोंगेशन को जोड़ दीजिए, मेन फॉर्मूला आ जाता है आपका ये वाला, ठीक है, जो कॉमन हो उसको बाहर ले लीजिए, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, क्लियर हुआ सभी दोस्तों को, ये हटा दें इसको,
चलिए इसको हटाते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं अपना, टॉपिक नंबर 10। अच्छा अब मेरा आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक क्वायरी है, क्योंकि मेरे पास जो डिप्लोमा की बुक है उसमें जो मैं आपको अब टॉपिक बताने वाला हूँ वो दे नहीं रखा है डिप्लोमा वाली बुक में। तो एक बार आप भी अपने सिलेबस में चेक करके बता दीजिएगा कौन कौन से टॉपिक। तीन टॉपिक के नाम लिख रहा हूँ मैं ये वाले। एक तो 10वां टॉपिक जो मैंने आपको लिखा था, जिसका नाम क्या था, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, है ना। हिंदी वाले बच्चे का क्या कह सकते हैं इसको, स्वयं के भार के कारण लंबाई में परिवर्तन। एक तो ये वाला, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन, इसके दो पार्ट थे। ये मुझे डिप्लोमा की बुक में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके सिलेबस में वास्तव में है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्वयं के भार के कारण कितना लंबाई में परिवर्तन होता है। ये भी हमारे सिलेबस में है तो मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा। इसके अलावा मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, बिकॉज जहाँ तक मुझे लग रहा है डिप्लोमा के सिलेबस में ये नहीं दे रखा है। अगर हो तो आप में से अगर एक बच्चे का भी कमेंट आता है कि हाँ सर है, इसका डेरिवेशन कराइए, तो मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर इसका PDF दे दूंगा केवल डेरिवेशन का, ठीक है, अलग से हाथ से लिख करके, आपकी अगर ऐसी क्वेरी होगी तो। और अगर सिलेबस में नहीं होगा तो आप केवल फॉर्मूला लिख के याद कर लीजिएगा। बाकी आपके जो सिलेबस में एक चीज़ दे रखी है, पैरेलल कंपोजिट सेक्शन दे रखे हैं, मतलब दो सेक्शन समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हों, तो उसमें कितना इलोंगेशन होगा, कितना लंबाई में परिवर्तन होगा, ये दिया है आपकी बुक में, जो मेरे पास बुक है, थोड़ा पुरानी बुक है वो, तो एक बार आप चेक करके मुझे ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर दोनों में क्लियर कर दूंगा डाउट क्या क्या है। फिलहाल मैं इसको आपको करा दूं पहले। इसमें दो चीज़ पूछेगा आपसे, पहला तो क्या पूछेगा, इन प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक सभी जानते हैं ना, एक समान काट की छड़, एक समान काट की छड़ में, यानी कैसी छड़, जिसकी काट एक समान हो। एक समान समझते हैं, जितनी ऊपर है चौड़ाई उतनी नीचे, नीचे तक सेम काट की हो, ये वाली, ये आपकी प्रिज्मेटिक बार होती है। इसकी लंबाई यहाँ भी सब जगह सेम है। जो प्रिज्मेटिक नहीं होती वो कैसी हो सकती है, इस तरह की बार, ये प्रिज्मेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कम चौड़ाई है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये प्रिज्मेटिक नहीं है। प्रिज्मेटिक मतलब होता है जो पूरी लंबाई में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी कैसी हो सेम हो, उसे कहते हैं प्रिज्मेटिक बार, समान काट वाली, ठीक है। तो इसका स्वयं का कुछ भार होगा, स्वयं का भार हमेशा बॉडी के सेंटर पर काम करता है ना, आप सब जानते हैं इसको, तो इसका स्वयं का भार मान लिया, जो स्वयं का भार था वो क्या था, W था, ठीक है। तो इसमें लेंथ इसकी वही L है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है दोस्त, इसकी L है, और इसका जो डाया है D है, यानी एरिया जो आ रहा है इसका A है, व्यास की हेल्प से आप एरिया निकाल लेंगे। तो इसमें स्वयं के भार के कारण जो डेल्टा L आता है, जिसे मैं कह दे रहा हूँ क्या, लंबाई में चेंज निकाल रहे ना, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन, डेल्टा L बराबर इसमें आता है दोस्त कितना, WL/2AE, कितना आता है, WL/2AE, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये वाला, ठीक है। ये आप कब लगाएंगे, जब आपको इसका स्वयं का भार W दिया जाएगा। W अगर आपको नहीं दे रखा होगा, आपको फिर इस मटेरियल की डेंसिटी दी जाएगी, घनत्व दे रखा होगा, ठीक है। घनत्व कौन सा, भार घनत्व। W तो यहाँ पर क्या है दोस्त, W यहाँ पर सेल्फ लोड है, मैं लिख दे रहा हूँ, W क्या है यहाँ पर, सेल्फ लोड, यानी स्वयं का भार। अब आपको यहाँ पर W ना देके रो दे रखा हुआ, या लैम्डा बोल दे रहा हूँ मैं, सेल्फ वेट, सेल्फ जो इसकी डेंसिटी होगी लैम्डा, ज़्यादातर बुकों में लैम्डा रहता है, लैम्डा को बोलेंगे हम यहाँ पर क्या, वेट डेंसिटी, हिंदी में बोल देंगे आप भार घनत्व। आपने घनत्व पढ़ा है दोस्त, आप सभी ने रो पढ़ा है, रो बराबर आपने पढ़ा है क्या, M/V होता है, M मतलब मास होता है जो kg में होता है, V मतलब आयतन होता है मीटर क्यूब में, तो kg पर मीटर क्यूब, ये तो आपने डेंसिटी पढ़ी है, ये मास डेंसिटी होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट डेंसिटी लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर मास था वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका वेट आ जाएगा, तो वेट अपॉन वॉल्यूम, तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी, वेट न्यूटन में होता है,
न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, वेट डेंसिटी की, लैम्डा की। तो अगर आपको डब्लू नहीं दिया होगा तो इस पदार्थ के स्वयं का भार दिया जाएगा, इसका भार घनत्व दिया जाएगा। क्या स्वयं का भार ना दिया होगा तो आपको लैम्डा दिया जाएगा। तो लैम्डा के पदों में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, डेल्टा एल बराबर डब्लू की वैल्यू यहाँ से निकालिए, बी को इस साइड लेंगे तो लैम्डा इंटू बी हो जाएगा, लैम्डा इंटू वी, यहाँ पर एल है, अपॉन में टू ए ई। इतना समझ आ रहा है। अब आयतन आप सभी जानते हैं, किसी भी सेक्शन का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सब ने पढ़ाया आप सब ने, ठीक है, आप सभी ने पढ़ाया इतना। तो सपोज मैंने क्या कहते हैं, लंबाई अलग रखा, चौड़ाई और ऊंचाई को मैंने एरिया मान लिया। हम कोई भी दो लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई कुछ भी कह दो, या चौड़ाई ऊंचाई, इसको एरिया मान लिया मैंने, तो मैं क्या, मैं बी बराबर ए इंटू एल वी कह सकता हूँ, यानी बी बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू मैं लेंथ कह सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, लैम्डा इंटू वी की जगह मैं लिख दूंगा एरिया इंटू एल वॉल्यूम की जगह इंटू या लेंथ अपॉन में टू ए ई। समझ आ रहा है इतना। तो एरिया और एरिया आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच गया, डेल्टा एल बराबर लैम्डा बचा, एल स्क्वायर बचा, अपॉन में टू ई बचा, एरिया यहाँ, ये यहाँ से हट गया, ठीक है। तो ये होता है मेन फॉर्मूला, क्योंकि डब्ल्यू हमें क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये जेई वाले सिलेबस में तो ये है, जेई में तो ये है, लेकिन मुझे डिप्लोमा का कंफर्म नहीं हो पा रहा है डिप्लोमा में ये है या नहीं, तो एक बार आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देंगे। अगर आपके डिप्लोमा के सिलेबस में होगा तो मैं ये फॉर्मूला आपको बता दूंगा कैसे निकल के आया, डेरिवेशन पूरा। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी याद कर सकते हैं एडवांस में, आगे के लिए हेल्प करेगा आपको ये। ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके, जब W दिया हो तो ये लगाना है, और जब इसकी वेट डेंसिटी लैम्डा दिया हो, इस पदार्थ का घनत्व दिया हो, भार घनत्व, तो आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करना है। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलोंगेशन जो होता है सेल्फ वेट के कारण, क्या वो इस काट के एरिया पर डिपेंड करता, तो आप बोलेंगे एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो इस फॉर्मूले की वजह से बोलते हैं, इसको देख के नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ एरिया पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन W की वैल्यू जब हम लैम्डा के पदों में रखते हैं तो एरिया कट जाता है, इसीलिए कह देते हैं एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज डिपेंड ओनली ऑन लेंथ, ठीक है, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट रहता है, ई भी कांस्टेंट है, केवल लेंथ पर डिपेंड करता है। ये आपको छोटा सा नोट पॉइंट याद रखना, मैंने जो आपको पीडीएफ दिया था उसमें इस चीज़ को लिख करके दिया था, ठीक है। एक बार कमेंट करके समझ गए ना आपको क्या बताना, कि ये चीज़ आपके सिलेबस में है या नहीं, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर है तो आप नोट कर लेंगे, इसके अलावा एडिशनल आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्मूले को, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको कंपोजिट सेक्शन, पैरेलल कंपोजिट सेक्शन आपके सिलेबस में है या नहीं, इस बुक में दे रखा है, नए सिलेबस में भी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो भी क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं हटा दूँ इसको, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए अब अगला इसी का बी पार्ट कर लीजिए, बी पार्ट क्या बताया था आपको, इन कॉनिकल बार, बी पार्ट कॉनिकल मतलब जानते हैं ना, शंकु के आकार की, शंकु के आकार की छड़ में, शंकु के आकार की, या हिंदी में शंकु आकार भी कह देते हैं। ये किस तरह की होगी छड़ आपकी, ये शंकु के आकार की होगी, जैसे कोन होता है ना, कोन, ये क्या कोन तरह से बन गया, कोन देखा ना आप सभी ने, ऐसे जोकर की टोपी जैसा जो होता है, ये कोन ही तो होता है। हमने इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हाइड कर रखा है, ऊपर वाले ये वाला सिर्फ इतना दिखा रखा है, ठीक है। आप ये समझ लें कि ऊपर से ऐसे सर्कुलर होगा, ठीक। तो आपको इसमें बताना है इसमें कितना इलोंगेशन आएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ। मान लिया इसका जो सेल्फ वेट है वो कितना है, इसका सेल्फ वेट सेम डब्ल्यू है जैसा पीछे आपने देखा था, तो आपने पीछे फॉर्मूला देखा था डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई, है ना, ए ई, लेकिन यहाँ पर टू की जगह पर सिक्स आ जाता है दोस्त, कितना आ जाता है, सिक्स आ जाता है ना, अलग पेन से लिख दिया ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा ये, चलिए पूरा ही हाईलाइट कर देते हैं। डेल्टा एल बराबर कितना आ गया, डब्ल्यू एल अपॉन सिक्स ए ई, उसका ये वन थर्ड होता है, ठीक है, उसका एक तिहाई होता है इसमें। लैम्डा के टर्म में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लैम्डा के टर्म में हो जाएगा डब्ल्यू एल इक्वल, डेल्टा एल इक्वल टू डब्ल्यू की जगह लैम्डा इंटू एल स्क्वायर अपॉन सिक्स ई, ए हट जाता है, ठीक है। कैसे आया होगा समझ गए ना, डब्ल्यू के प्लेस पे आपने लिखा होगा लैम्डा इंटू वी, यहाँ एल था, अपॉन में सिक्स ए ई, फिर आपने क्या किया होगा, वी को लिखा होगा एरिया इंटू लेंथ,
इनटू में एल था अपॉन सिक्स ए ई, ए ई ए से ए कट गया होगा तो लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन सिक्स ई आ गया इस तरह, ठीक है। अब डायरेक्टली याद कर लेंगे तो इस तरह से आपको ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए या तो आपको डब्ल्यू की वैल्यू देगा या फिर लैम्डा की देगा। लेंथ आपको दे रखी होगी, एरिया देगा, इसका एरिया ना देगा तो आपको डायमीटर दे रखा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, तो आपको यहाँ पर इसका व्यास दिया होगा और एरिया आपको बताई दिया भी कैसे निकालते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई फोर से निकाल दीजिएगा इजीली, एरिया ई की वैल्यू दी जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सिलेबस में हो तभी दसवां टॉपिक कीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं जो ग्यारहवें टॉपिक बता रहा हूँ, ये ग्यारहवें टॉपिक भी मुझे यहाँ पर आपकी ये जो बुक है इसमें दिखाई नहीं दिया है, अगर फिर भी हुआ आपकी बुक में तो आप मुझे बता दीजिएगा, डेरिवेशन अगर इनके चाहिए तो, अदरवाइज फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है। ग्यारहवें टॉपिक इलोंगेशन इन टेपर्ड बार, इलोंगेशन इन टेपर्ड टेपर्ड बार, ये शायद आपकी बुक में, इंग्लिश वाली बुक में ये देखा है मैंने, ये है, ठीक है। हिंदी में टेपर्ड को कहते हैं टेपरित, टेपरित छड़ की लंबाई में परिवर्तन, छड़ की लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, ये आपका। इसमें क्या करना है, इलोंगेशन इन टेपर्ड बार, टेपर्ड बार किसे कहते हैं जानते हैं ना, एक तरफ ज़्यादा डायमीटर हो एक तरफ कम डायमीटर हो, तो इसको बोलेंगे हम क्या, टेपर्ड बार। ये बार कैसी है दोस्त, ये टेपर्ड बार है, ठीक है, ये एक टेपर्ड बार है। थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा, यस, एक तरफ ये वाला डाया मान लिया ऐसे तक का व्यास जो है इसका D1 है, D1 समझ रहे हैं ना, क्यों मतलब ये ऐसे क्रॉस सेक्शन होता है गोल गोल इस तरह से, तो इसका व्यास कितना है D1 है, इधर का ये जो डायामीटर है कितना है, ये D2 डाया है, D2, ये D2 है, ठीक है। और फोर्स वैसे ही सेम, आपने अगर इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस है बीच में से, इस पर जो फोर्स इधर लग रहा है ये एफ फोर्स, सेम इधर भी लग रहा है एक फोर्स इधर, ये भी क्या है एफ फोर्स है, यहाँ डाया दिखा दो D1, D1 D2 डाया, यानी ऐसी कोई भी छड़ जिसका डाया एक तरफ ज़्यादा हो दूसरी तरफ कम हो उसको टेपर्ड बार कहते हैं। इस पे आपने एक्सियल फोर्स F लगा रखा है इधर की साइड में भी और इधर की साइड में भी, ठीक है, F फोर्स। अब इसमें इसकी लंबाई में कितनी चेंज आएगी ये आपको बताना है, ठीक है, और इसकी लेंथ में चेंजिंग का फॉर्मूला सुन लीजिए क्या होता है ध्यान से, डेल्टा L बराबर, डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा ये आपका यहाँ पर, फोर एफ एल अपॉन पाई डी वन डी टू इंटू ई, या पाई ई डी वन डी टू पीछे लिख दीजिएगा, पाई ई डी वन डी टू, ऐसे पाई ई डी वन इंटू डी टू, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको दिखाते हैं फॉर्मूला आता कैसे है निकल के, ताकि आप याद कर पाएँ इसको इजीली, फोर एफ एल अपॉन पाई ई डी वन डी टू, पाई ई डी वन डी टू, डी वन डी टू, समझ पा रहे हैं सभी, ठीक। ये डेल्टा एल का फॉर्मूला हो गया मेन वाला, टेपर्ड बार के केस में, मतलब यहाँ आपको ये डी वन दे रखा होगा, यहाँ रखना है डी टू दे रखा होगा, यहाँ रखना, पाई की वैल्यू ऑलरेडी होती है कैलकुलेटर में, आपको याद भी होगी, ई की वैल्यू आपको दी जाएगी, जिस किसी भी पदार्थ का बना हुआ है उसका ई दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, एफ फोर्स कितना लग रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, एक्चुअल वाली लेंथ आपको दी जाएगी, ये वाली कितनी लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी थी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना, कितनी लेंथ है इसकी, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसको सुन लो आया कैसे है, इससे पहले आपने कोई अगर प्रिज्मेटिक बार होती थी दोस्त, इस तरह की कोई बार होती थी ऐसी, जिसका डायमीटर दोनों तरफ इधर भी सेम होता था, इस पर आप फोर्स एफ लगाते थे, लंबाई एल होती थी, तो इसमें जो जितनी चेंजिंग आती थी उसका फॉर्मूला आपने देखा था क्या, डेल्टा एल बराबर एफ एल, फल अपॉन ए ही बताया था ना आपको, एफ एल अपॉन ए ये होता था, ठीक है। आप सभी को जस्ट अभी बताया था मैंने क्या, ए एरिया बराबर क्या होता है, पाई बाई फोर और डी स्क्वायर होता है, बताया था अभी आपको, लेकिन यहाँ डी स्क्वायर क्यों गया, इधर भी डी है, इधर भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो ये डी स्क्वायर है। अब अगर ये अलग अलग हो जाए, एक तरफ डी वन एक तरफ डी टू, तो आप क्या करेंगे, आप खुद देखिएगा, पाई बाई फोर, अब ये अलग अलग होता तो डी वन इंटू डी टू कर देते दोनों का मल्टीप्लाई, सेम है तो डी इंटू डी डी स्क्वायर हो गया, अलग अलग है, पाई बाई फोर डी वन डी टू, इस एक ही जगह पर आप लिखिए जो आपको लिखा है, या एफ है या एल है अपॉन, इसकी जगह लिख दीजिए पाई बाई फोर, पाई बाई फोर डी वन डी टू, ठीक है।
एरिया की जगह पीछे ई था, ई लिख दिया, ठीक। ये चार ऊपर चला जाएगा यहाँ से, जब ये चार दोस्त ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको मिटा दो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा आपका चार ऊपर गया तो 4FL अपॉन पाई और ई एक साथ लिख दीजिए, पाई ई, पीछे क्या बचा D1 D2, यही फॉर्मूला है, ऊपर देख लीजिए सेम फॉर्मूला है, तो बस एरिया को यहाँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर ना करके D1 D2 कर दिया है, उससे निकल के आ गया ये, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। टेपर्ड वायर के लिए इलोंगेशन का फॉर्मूला ये हो गया, सभी को समझ आया। अब आपके पास इलोंगेशन के कितने फॉर्मूले हो गए, मेन आपके पास 4-5 फॉर्मूले हो गए, जिनमें सबसे मेन में एक बार जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक पास लिख दे रहा हूँ सभी फॉर्मूले को, बस आपका भी एक टॉपिक बचा है, सिर्फ क्या बचा है, थर्मल स्ट्रेस, सिर्फ एक थर्मल स्ट्रेस बचा है, बट उससे पहले आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इलोंगेशन बता दूँ। सबसे पहले आपने इलोंगेशन पढ़ा था, सिंगल किसी भी सिंगल रोड में, अगर इस तरह की कोई रोड होती है सिंगल सीधी सीधी, इसमें जिस पे आपने फोर्स एफ लगा रखा था, इसमें डेल्टा एल आता था FL अपॉन AE, ये पहला फॉर्मूला देखा, ठीक। जब आपने देखा फिर एक से ज़्यादा सेक्शन हो, एक बड़ा सेक्शन, एक थोड़ा छोटा सेक्शन और बड़ा सेक्शन, अलग अलग सेक्शन हो, तीन है, तो आपने देखा क्या डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों के फॉर्मूले आप लगाते थे यहाँ पर, FL अपॉन AE, इसका भी FL अपॉन AE, इसका भी FL अपॉन AE। अब फोर्स अगर सेम होता तो एफ को सेम रखते, इनको चेंज करते थे, इनको ये 2 है 2 और ये भी 2 और 2। अब ई की बात करें, अगर ई अलग अलग पदार्थ का तो यहाँ भी अलग अलग होता थे वैल्यू, अगर अलग अलग पदार्थ का नहीं होगा तो ये आपके सेम रहती थी वैल्यू, इस तरह एफ को कॉमन लेके भी कर सकते थे। दूसरा ये देखा, ठीक। इसके बाद तीसरा क्या देखा आपने, तीसरा देखा सेल्फ वेट के कारण, अगर कोई इस तरह की छड़ है इस तरह की, ठीक है, और इसका स्वयं का भार W काम कर रहा है, इस पर स्वयं का भार, तो इस केस में डेल्टा L कितना बताया था आपने, WL अपॉन 2AE ये बताया था, लैम्डा के पदों में लैम्डा L स्क्वायर अपॉन 2E बचता था, A नीचे से हट जाता था। एंड अगर यही क्षण कैसी होती थी, अगर ये क्षण आपकी कोन के शेप की है, शंकु के शेप की होती थी, शंकु के शेप की, और इसमें स्वयं का भार W होता था, स्वयं का भार अगर W हो, W इस केस में फॉर्मूला होता था डेल्टा L बराबर, वहाँ 2 है वहाँ 6 हो जाता है सिर्फ, WL अपॉन 6AE, और यहाँ क्या आता है आपका लैम्डा L स्क्वायर अपॉन 6E ये होता था। इसके अलावा अभी आपने एक लास्ट फॉर्मूला देखा, टेपर्ड वायर अगर हो, टेपर्ड वायर एक तरफ D1 डाया है एक तरफ D2 है, तो बस यहाँ पर हो जाता था 4, नीचे आता था पाई ई और D1 D2, इस तरह से। इस तरह आपने ये 4-5 फॉर्मूले देखे, इसको फिर से एक बार लिखिएगा अच्छे से साफ साफ, मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है बिकॉज टाइम बहुत हो चुका है ऑलरेडी, इसको रफ कर दें थोड़ा सा, एक दो बातें आपसे करूँगा सिर्फ मैं, उसके बाद क्लास को स्किप कर देंगे, ठीक है। एक तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी लास्ट में दो टॉपिक बताए हैं, 10वां टॉपिक और 11वां टॉपिक, 11वें तो टेपर्ड वाला है आई थिंक सो आपके सिलेबस में, एक बार सेल्फ वेट वाला आप देख लीजिएगा अच्छे से, सिलेबस में होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो फॉर्मूले लिख लेंगे सिर्फ इसके और याद कर लेंगे, ठीक है। और जो सबसे पहले बताए थे दोनों आपको, वेरिंग सेक्शन का और सिंगल सेक्शन का, वो आपके सिलेबस में है, वो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पैरेलल कंपोजिट सेक्शन होता है वो आपके सिलेबस में है या नहीं, ये आप कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, ताकि मैं कंपोजिट सेक्शन का और थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस को एक साथ एक पार्ट में करा सकूं, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो कमेंट करके सभी दोस्तों को बताना कि कंपोजिट पैरेलल सेक्शन, संयुक्त समांतर काट आपके सिलेबस में है या नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। समांतर काट का मतलब है दोस्त, आपको इस तरह से दो सेक्शन होंगे, कोई एक सेक्शन ये दे दिया, इसी के पैरेलल दूसरा सेक्शन इससे जोड़ रखा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर इस तरह दिखा रखा होगा, एक किसी और चीज़ का होगा, एक एल्यूमिनियम हो गया, दूसरा कॉपर हो गया, अलग अलग ऐसे, ठीक है। तो इसका आप बता दीजिएगा, फिर मैं आपको ये भी करा दूंगा, नहीं भी होगा तब भी करा दूंगा, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, इस तरह का। तो फिर ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, बस आपका दो टॉपिक छोटे छोटे मैंने रोक रखे हैं अभी के लिए, थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस, और एक आपका ये कंपोजिट पैरेलल सेक्शन, अगर सिलेबस में होगा तो हम इसे भी करा देंगे। थर्मल स्ट्रेस मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, और अगले ही लेक्चर से हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट कर दें, इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करने के बाद हम SFD BMD की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।